टॉपिक है ये कि हम अपने बेबी की चीज़ों को किस तरह से सही से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारा रूम भी साफ़ हो और कहीं भी कुछ भी ना फैले। सब कुछ साफ़ साफ़ होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे एक कबर्ड से जिसमें आप अपने बेबी का सब सामान रख सकते हैं। और जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि ऊपर हम डेकोरेशन के लिए उसके टॉयज़ भी रख सकते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट से। सो इस पे मेरी बेटी का नाम भी है। जो बेबी का एक्स्ट्रा स्टफ़ होता है वो आप इस तरह रख सकते हैं, जैसे आपने बच्चे को ऑयल मसाज के लिए यूज़ करना होता है तो आप इसमें रखें। और उसकी जितनी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होती हैं, जैसे चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जैसे कॉटन बॉल्स आपको चाहिए बहुत सारी, वो आप इस तरह के कंटेनर्स बहुत मिलते हैं मार्केट में, आप उसमें रख सकते हैं। और स्पेशली ये बास्केट्स जो हैं, जो आपको दिख रही है, ये बहुत काम आती है, बहुत यूज़फुल होती हैं। तो इस तरह की बास्केट्स आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपने ड्रॉर्स में। और ये है पाउडर, ये बेबी की क्रीम वगैरह, ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा मुझे हाथ के हाथ चाहिए होता है वो इसके अंदर है। ठीक। और उसके बाद ये फिर इसके वाइप्स वगैरह, ये चीज़, और ये एक बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो है मोबाइल का स्टैंड, जिसमें बच्चे को कार्टून वार्टून अपने दिखाने तो आप आराम से उसको दिखा सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि ये सेकंड है जिसके अंदर सारा बेबी का जो और मसाज वसाज इन चीज़ों का सामान होता है ये वो है, जैसे कि ऑयल है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा रखी, इसका तीतर है, ये ड्रॉपर है, कॉटन बॉल्स एक्स्ट्रा, इसमें भी बास्केट आपको नज़र आ रही होगी, उसके अंदर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज है। और ये क्रीम वगैरह, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर अगली जो चीज़ है वो है ये सेकेंड दराज, जो इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि आप देख सकते हैं कि इसमें हर चीज़ अलग अलग रखी हुई है, तो मुझे ढूंढने में कुछ भी मुश्किल नहीं होती। जैसे ये बच्चे के सॉक्स आए, ये मिटन्स हैं, ये थोड़े बड़ी एज के सॉक्स हैं, ये 6 महीने के हैं, साल के हैं, ये उसकी कैप्स वगैरह हैं, और ये एक मोटा ट्राउज़र और कैप इस तरह का रखा हुआ है, ये उसकी दूसरी एक्सेसरीज हैं, चूड़ियाँ वूड़ियाँ, और ये बहुत क्यूट है पोनी टेल्स है, ये क्लिप्स, और ये जो आपको नैपकिन वगैरह चाहिए होते हैं वो हैं, ये अलग जो आपने इनर बंदे को बच्चे को पहनाना होता है ये वो है, और फिर ये भी बाकी इनर्स हैं। ये डिफरेंस ये है कि ये स्लीवलेस हैं, ये स्लीव्स वाले हैं, तो मैंने इनको सेपरेट रखा है ताकि मुझे ढूंढने में मसला ना हो। इसके बैक पे ये शूज़ हैं, ये एक्स्ट्रा जो टॉवल्स वगैरह चाहिए होते हैं बेबी के लिए वो हैं, ये कैप है, और इसके नीचे ये बेब है, बेब रखा हुआ। तो आप इस तरह से चीज़ों को रखें तो आपको समझ भी आएगी कि आपने जल्दी जल्दी में क्या निकालना है। खैर, अगले दराज में है ये बेबी ब्लैंकेट है, उसके नीचे एक और ब्लैंकेट है, और इस साइड पे जो है ये रैपिंग शीट्स वगैरह रखी हैं, और ये प्लास्टिक शीट रखी है जो चाहिए होती है बच्चे के लिए, और एक ये छोटा सा पिलो भी है। तो ये सब कुछ इस तरह रखा है। इसके नीचे जो रखा है वो दो चीज़ें, एक ये पाउच जो मैंने रखा है इसके अंदर है बच्चे के, जैसे आपका बेबी अभी फ़र्ज़ करें 3 महीने का है और आपको 6 महीने के आपने कपड़े उसके लेके रखे हैं, तो आप उसको सेपरेट रख लें, जब वो उस एज पर पहुंचेगा तो आप इसमें से निकाल के पहना लें, आपको कपड़े मिक्स भी नहीं होंगे। उसके अलावा शॉपर्स, छोटे शॉपर, बड़े शॉपर, ये शॉपर, वो शॉपर, सब इस तरह से रखें ताकि कुछ मिक्स ना हो। खैर, और जो सबसे आखिरी दराज है उसके अंदर है खिलौने, और इसमें सारे खिलौने मैंने रखे हुए हैं जो मुझे हाथ के हाथ चाहिए होते हैं बेबी के लिए, जैसे ये वाले हैं छन 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 छन, ये है। तो इसमें बड़ी आसानी रहती है कि जब हर चीज़ सामने होगी और ऑर्गेनाइज तरीके से होगी तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये बास्केट। अब इस बास्केट का चक्कर ये है कि इसके अंदर हमने रखे हैं ये डायपर्स वगैरह बच्चे के, और ये है बेबी वाइप्स, ये वाले बहुत अच्छे हैं, ये जॉनसन्स के हैं। उसके साथ हमने इसमें देखें पोर्शंस बने हुए, अब हमने इसके अंदर रखे ये शॉपर्स भी रखे हैं क्योंकि शॉपर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आप सही से डायपर्स को डिस्पोज ऑफ करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इधर उधर फेंकने से अच्छा है डायपर्स सही तरह से अगर रखे हुए हों। फिर ये डायपर्स हैं यहाँ पे, एक इमरजेंसी लाइट इसमें इसलिए रखी है, रात को कभी उठ के डायपर चेंज करना पड़ता है तो ये आप ईजी है रखें और चेंज करें। फिर अगली एक चीज़ है वो है ये, ओप्स, ये है बेबी की वैसलीन, और ये वैसलीन का काम ये है कि डायपर रैश से बचाती है, आप
आपको अगर बेबी को डायपर रैश हो रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। उसके अलावा इसके अंदर ये इसके मॉइस्चराइजर्स वगैरह रखें, तो इस तरह से आप ये बास्केट को मैनेज कर सकते हैं और ये इजी भी है, आप आराम से यूज़ करें इसको। और मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग हिला दी अभी। खैर, इसको हम वापस रखते हैं सही से इसकी जगह पे, यहाँ पे। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये बास्केट के बाद ये बॉक्स। तो गुड़िया इधर आ जाओ ज़रा सा, थैंक यू। आप भी इधर आ जाए ज़रा, थैंक यू। तो इस बॉक्स के अंदर होता है बच्चे का सारा एक्स्ट्रा सामान जो बाद में आपको रिफिलिंग के लिए चाहिए होता है, आपने रिफिल करना हो, जैसे कि एक्स्ट्रा पाउडर है, सोप है, जेल है। और एक जो बहुत मज़े की चीज़ इस बॉक्स के अंदर है वो है ये सुरमा। ये है सुरमा। अब लोग डिबेट करना शुरू हो जाते हैं कि जी बच्चे को सुरमा लगाए नहीं लगाए। हम डिबेट में नहीं जाएंगे, हम कोई डिबेट नहीं कर रहे भाई, हम तो लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम लगाते हैं। तो ये रहा सुरमा, ये मैं स्पेशली अपनी बच्ची के लिए मदीना शरीफ से लाई थी। तो अच्छी चीज़ है, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बच्चे को जिस तरह से भी तैयार रखना चाहें, उसको अच्छा अच्छा साफ़ सुथरा रखें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये सब करने के बाद जो जगह है वो भी साफ़ होनी चाहिए, सामान फैला हुआ नहीं होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपरली अपनी जगह पे होनी चाहिए, तो फिर बात बनती है। जैसे अब है ये सब सेट है, कोई कचरा नहीं है, सब ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। और हम उम्मीद करते हैं हम आपको अगले ब्लॉग में एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलें। खैर, ये मजाक था, ये मजाक था, बंद करो, ये मजाक था। वी होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।